हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डुगू अनबॉक्सर में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने लाए एक नया टॉय जो कि बैटरी ऑपरेटेड टॉय है। ये देखिए, ये है हमारे पास रोबोट डॉग मशीन। रोबोट काइंड का डॉग है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं और आप देखोगे ये कितना अच्छा टॉय है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में अभी बात करें, इसके अंदर रोटेटेबल हेड है, जो कि इसका हेड है वो रोटेट होगा, इसके लिम्स भी मूव करेंगे और साथ में इसके ईयर्स भी ग्लो करते हैं, लाइटनिंग होगी इसमें म्यूजिक होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन है, ये इसमें बताया गया। इसका हेड रोटेट होता है, इसके लिम्स मूव करते हैं और इसकी आईज भी शाइन करती हैं, ठीक है। और ये इस प्रोडक्ट की फ़ोटो है, बेसिकली कंपनी ने जो दी गई है ये इस प्रोडक्ट की फ़ोटो है और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स कंपनी ने बताए हुए हैं। एज सच इस प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ कि कितनी एज तक के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बैक साइड में देखें नीचे, ये प्रोडक्ट में कुछ वार्निंग दी गई है और हाँ, ये दिया हुआ है नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 इयर्स, तो यानी कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है 3+ इयर्स के बच्चों के लिए। यहाँ पर बैटरी बताई गई है, 1.25 वोल्ट्स की 3 बैटरी इसके अंदर डलेंगी जिस पर ये प्रोडक्ट ऑपरेट होगा। यहाँ पर ये कुछ इन्होंने वार्निंग दी हुई है और ये अपने कुछ भी इन्होंने रिकमेंडेशन कंपनी ने दिया हुआ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करना और देखते हैं इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट को रिव्यू आता है। चलो गाइस स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करना और ये मुझे ओपन करना है प्रोडक्ट। ये टॉय होगा यहाँ से ओपन, इसमें कुछ टेप्स चिपकाई हुई है कंपनी ने ताकि ओपन ना होए, हमें खुद से ही ओपन करना पड़े। और ये मैंने टेप्स को रिमूव किया है और देखते हैं इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या क्या आता है। ये देखिए गाइस, ये है हमारा प्रोडक्ट। ये देखिए कितना सुंदर ये टॉय लग रहा है, ये रोबोटिक डॉग है बैटरी ऑपरेटेड। चलिए गाइस, ये हमने टॉय निकाला है, अब देखते हैं ये टॉय की लुक एंड फील। अभी मैं इसे टॉय को निकालता हूँ और ये कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड इसमें है तो ये मुझे पुल करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, ये प्रोडक्ट यहाँ से फिट है तो ये बेसिकली मुझे लूज करना होगा इस प्रोडक्ट। देखिए गाइस, ये कितने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, मुझे इसे निकालने में इतना टाइम लग गया। ये देखिए, इन्होंने एडजस्टेबल यहाँ पे पेचेस लगाए हुए हैं, इसे मुझे निकालने में इतना टाइम लग रहा है कि इससे पता लगता है कि कंपनी कितना अपने टॉयज का ध्यान रखती है और एडजस्टेबल एडजस्ट करके एक टॉय को आगे डिलीवर करती है कस्टमर के पास ताकि बीच में कोई भी इसे निकाल ना सके। तो या देखिए गाइस, ये मैंने प्रोडक्ट को निकाला टॉय को। अब इसकी बिल्ट की अगर हम बात करें कि काफ़ी अच्छा बिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी हैवी प्लास्टिक का इसमें यूज़ हुआ है, कोई हल्की प्लास्टिक नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर बच्चा गलती से इसे मुंह में भी डालता है अपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका कलर नहीं उतरेगा, प्लास्टिक डैमेज नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लास्टिक है जो कि यूज़ हो रहा है। वैसे तो बच्चे को 3+ इयर्स एज के लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेड करती है रिकमेंड कंपनी। बिल्ड काफ़ी अच्छा है, ये देखिए कितने अच्छे एडजस्टमेंट कंपनी ने दिया है। यहाँ पर ये इसके स्पैक्स हो गया जो कि चश्मा हो गया, ये डॉग का मुंह है, ये डॉग के ईयर्स हैं और यहाँ पर बैटरी डालने की जगह है। ये अगर मैं हटाऊंगा, यहाँ पर 3 बैटरी डलेंगी 1.2 वोल्ट की। तो अभी मैं इसमें बैटरी डालता हूँ और देखते हैं ये कैसे काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच हमें दिया है, हाल फिलहाल ये ऑफ है, जब मैं इसे ऑन करूंगा तो तब हम इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, छोटी सी टेल है डॉग की और देखते हैं ये कैसे काम करती है। मेरे पास ये 3 सेल्स हैं जो मैंने लिए हैं, अब मैं सेल्स इसमें डालूंगा, ये बैटरी है, ये बैटरी इसमें डालूंगा और देखूंगा फिर ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है।
ये मैंने बैटरी यहाँ पर डाल ली है। अब मैं इसका वापस से कवर लगा के इसे ऑन करके स्टार्ट करना, देखते हैं कि टेस्टिंग कैसे करता है। यहाँ पर बैटरी सक्सेसफुल डल गई है, अभी इसका ऑन है, ऑफ है बटन। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए पहले इसे समझ लेते हैं कैसे काम करता है। ये इसके चार लेग्स हैं, ये अपने आप रोटेट हो रहे हैं रोबोटिक वे में, ऐसा ओरिजिनल डॉग के जैसे रोटेट होते हैं सेम वे रोटेट हो रहे हैं। जैसे हैंड्स इसके लेग्स रोटेट हो रही हैं सेम वे इसके माउथ इसका मुंह भी रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे इसके चश्मे में ब्लू कलर की लाइट हमें देखने को मिल रही है। अरे लिम्स बोल, ये इसके जो ईयर्स हैं ये भी साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशनल ईयर्स, रोटेशनल माउथ, रोटेशनल इसकी फोर लेग्स, प्लस इसमें लाइटनिंग एंड म्यूजिक जो हम सुन रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए जैसे एक रियल डॉग हमारे पास होता है सेम वे पे रोबोटिक डॉग है। तो अभी इसे मैं नीचे छोड़ता हूँ और देखते हैं कैसे काम करना है। प्रोडक्ट वैसे मेड इन चाइना का है, जो कि यहाँ पे आप मार्का देख भी सकते हैं, मेड इन चाइना का मार्का है। देखते हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, अपने आप ही आगे पीछे हो रहा है। इसमें म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक बज रहा है, इसमें लाइटनिंग है, काफ़ी अच्छी लाइटनिंग चल रही है। इसमें अपने आप इसके लेग एडजस्टमेंट हो रही हैं, जैसे कि रियल डॉग होता है उसके जैसे सेम ये मशीन रोबोट हमारे पास देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉग की फॉर्म में है। अब मैं इसके आगे हाथ लगा के देखता हूँ ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं। ये देखिए अब ये पीछे आगे आएगा, ये देखिए ये अपने आप पीछे हो गया। इसका मतलब ये फील कर रहा है कि इसके आगे कोई आ रहा है और अपने हिसाब से फिर ये पीछे हट रहा है। ये देखिए अब मैं इसे रोका मैंने, अब ये अपने आप आगे हो गया। तो इसका मतलब सेल्फ एडजस्टेबल लेग्स हैं इसकी। ये देखिए गाइस ये अपने आप चल रहा है, और काफ़ी अच्छा बिल्ट मुझे लगा इस प्रोडक्ट का जो इन्होंने बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा बिल्ट और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये रोबोट, वाओ। जैसे कि इसके बॉक्स पे इसके बारे में मेंशन था, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारा दी गई हैं। रोटेबल हेड, ये हेड इसका रोटेट कर रहा है। लिम्स कैन मूव, इसके ये मूव कर रहे हैं लेग्स। आईज ग्लो, ये इसकी आईज हैं, ये ग्लो हो रही है, इसमें लाइटनिंग बेसिकली चल रही है। ये देखिए वाओ, जैसे एक रियल रोबोट होता है सेम वे में डॉग की फॉर्म में एक रोबोट है, और काफ़ी अच्छा इसमें चल के परफॉर्मेंस अपना दे रहा है। थोड़ी सी स्पीड मुझे इसकी कम लग रही है, बट अदर देन दैट इट्स रिव्यू इज़ फाइन, इट्स रिव्यू इज़ वेरी गुड। थोड़ा अगर इसमें स्पीड एडजस्टमेंट होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि एक रिकमेंडेशन है कंपनी के लिए। देखिएगा ये, देखिएगा कैसे लग रहा है। सबसे पहले इसकी लाइट है जो उसकी आईज में हमें नज़र आ रही है, फ्लैशिंग लाइट जो है। ये काइंड ऑफ छोटा सा पप्पी है, बेबी है, बेबी डॉग है जो हम देखते हैं, सेम उसकी जैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस जैसे कि बच्चों आपने देखा कितना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है ये, जैसा कि एक छोटा सा पप्पी होता है, डॉगी होता है छोटा सा, वैसा सेम इसकी शेप बनी है। बिल्ट काफ़ी अच्छा है, डोरेमोन जैसे कार्टून है या फिर हमारा छोटा भीम कार्टून है, उनमें जो छोटे छोटे डॉग्स दिखाए जाते हैं वो सेम वे में काइंड ऑफ कार्टून है। जिसमें अब आप देखिए कितनी अच्छी टेस्टिंग हमने आपको दिखाई है इसकी। यहाँ पर ये फ्लैशिंग लाइट्स है जो कि दिख रही है, थ्री बैटरी इसमें डलती है 1.5 वोल्ट्स की, 3+ ईयर्स के लिए रिकमेंडेड। सबसे प्यारी बात इसका कलर बहुत अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इसकी प्यारी है। और गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये प्रोडक्ट आपको, ये टॉय आपको कैसा लगा। मैं उन कमेंट्स में से एक रैंडम यूज़र चूज़ करूँगा और इस प्रोडक्ट को मैं गिव अवे करूँगा उस यूज़र के एड्रेस पे। तो उस गिव अवे को लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग आपको कैसी लगी। और कोई प्रोडक्ट आपकी नज़र में अगर है जिसकी आप अनबॉक्सिंग हमारे से चाहते हैं, कोई ऐसा टॉय है जिसकी अनबॉक्सिंग हमने नहीं करी है और आप चाहते हो करना, तो हमें ज़रूर बताइए। अगली बार आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉय के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।